हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका कोई हेटर से दुश्मन है, ठीक है, या फिर फेसबुक में आपकी किसी से लड़ाई होती है, तो लोग जो हैं अक्सर आपकी आईडी को रिपोर्ट कर देते हैं और आपकी आईडी डिसेबल हो जाती है या फिर सिक्योरिटी पर चले जाती है। ठीक है, तो हमको पता नहीं चल पाता था कि कौन रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि किसने आपकी आईडी पे रिपोर्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिक जो है काफ़ी लोगों को पता चल भी चुकी है, शायद आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि फुल प्रोसेस मैं अच्छे से बताने वाला हूँ, तो आप वैसे ही कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों, हमारे हेटर्स तो काफ़ी हो बनी जाते हैं किसी ना किसी वजह से, चाहे पॉपुलरिटी के वजह से हो चाहे किसी और कारण से। तो जब भी आपकी आईडी में रिपोर्ट कोई करेगा तो अब आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको करना है छोटी सी चीज़, पर याद रखिएगा वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, यह 100% वर्किंग है और पूरा स्टेप अच्छे से आप जान लीजिए, वरना आपको फिर समझ में नहीं आएगा, आप फिर बोलोगे कि नॉट वर्किंग है, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपको FB का ऑफिशियल ऐप जो है वो ओपन करना है और फिर हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों याद रखिएगा, आपको FB का ऑफिशियल ऐप ही ओपन करना है। अगर आप FB लाइट से ओपन करोगे तो उसमें पूरा प्रोसेस आप नहीं कर पाओगे, उसमें ऑप्शंस नहीं रहता है। ठीक है, तो फुल ऑप्शंस के लिए आपको FB ऐप ओपन करना है और फिर हेल्प एंड सेट, हेल्प में जाने के बाद आपको समथिंग इज नॉट वर्किंग पहला ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पहले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको दोस्तों, मेरा थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको ढूँढना है नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप FB लाइट से करना चाहते हैं करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे देखिए कैमरा रोल दिख रहा होगा, वो ऑप्शंस आपको नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, ये कंप्लेन तो वैसे सब हर कोई कर सकता है, लेकिन इसमें आप एक ज़रूरी बात ये है कि आपको आपका ID प्रूफ सबमिट करना पड़ता है कैमरा रोल पर, इसलिए आप उसी ID पे नोटिफिकेशन ले सकोगे जिस ID का नेम और डेट ऑफ बर्थ आपकी इस ID से पूरा मैच है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक अपील लिखना है सबसे पहले, तो मैंने अपील जो है लिख लिया है और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको कैमरा रोल का जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको ID प्रूफ सबमिट करना है, जो जिस नेम से आपकी फेसबुक ID है, याद रखिएगा डेट ऑफ बर्थ सारा मैच होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो दोस्तों, अगर आप फेक नेम यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास फेक ID प्रूफ है तो भी आप ट्राई कर सकते हो, अगर एक्सेप्ट होना होगा तो हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर देखिए ID प्रूफ जो है वो सबमिट कर दिया है, तो आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा। याद रखिएगा फेसबुक ID के साथ आपका ID प्रूफ का नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए। करने के बाद आपको ऊपर सेंड ऑप्शन मिल रहा है, उस पर सेंड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपको ऑफिशियल ऐप से ही करना है, याद रखिएगा, फिर से बता देता हूँ, FB लाइट में कैमरा रोल का ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये सबमिट करना पड़ता है, वरना एक्सेस नहीं होगा अगर आप ID प्रूफ नहीं करोगे तो। आप ट्राई कर सकते हो, अगर होगा तो अच्छी बात है, पर फिलहाल नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दे दिया है। तो सेंड कर दीजिएगा, फिर ये जो है अपील जो है वहाँ पर सबमिट हो जाएगा दोस्तों, और आप को 24 घंटे के अंदर का नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन लग जाता है दोस्तों, नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों आप आपकी आईडी पे कोई भी रिपोर्ट करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किसने आपकी आईडी में रिपोर्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अब ऐसा कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किसने आपकी आईडी पर रिपोर्ट किया है।